राजधानी जयपुर में वी रनर्स 21 डेज रनिंग चैलेंज सीजन 3 के अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस मौके पर रनिंग चैलेंज के तीसरे सीजन का समापन 17 दिसंबर को हुआ, जिसका अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया। इस अवार्ड प्रोग्राम में सीजन 3 में पार्टिसिपेट किए रनर्स व विनर्स को सम्मानित किया गया। का पहला सबसे बड़ा और सबसे पुराना रनिंग चैलेंज है, वर्चुअल रनिंग चैलेंज है, जिसमें पिछले तीन सीजन से हम काम कर रहे हैं। पहले सीजन में हमारे पास 50 लोग थे और तीसरे सीजन तक आते आते हमारे पास 1000 से ज़्यादा रनर हो गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े वर्चुअल रन चैलेंज कराते हैं। साथ में जो हमारे रनर्स हैं वो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं अशोक जी, इन्होंने 17.15 मिनट में 166 किलोमीटर रन करके एक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। मेरे साथ अंकुर हैं, जो कल ही इन्होंने 100 किलोमीटर भागे हैं और बहुत सारे अलग अलग इंडिया के मैराथन्स में इन्होंने पोडियम्स लिए हैं। अशोक जी अभी इंडिया से रिप्रेजेंट करते हुए अफ्रीका जाएंगे। जब तक आपका शरीर फिट नहीं है तब तक आप कुछ नहीं। सर, मैं फिटनेस के लिए तो यही कहना चाहूँगा, बाकी वीर रनर्स ने बहुत अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में भी वीर रनर्स जुटे हुए हैं तो वो भी अच्छा कर रहे हैं और अपने शरीर को सबसे पहले हम शरीर देते हैं। अफ्रीका जा रहे हैं? हाँ सर, मैं अफ्रीका जा रहा हूँ। अभी मैंने इंडिया में एक नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है और एक नेशनल रिकॉर्ड मेरे अपने नाम है। 12 घंटे में 137 किलोमीटर दौड़ा हूँ और 17.15 घंटे में 166 किलोमीटर दौड़ के मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ अभी मैं। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैंने अपना रनिंग स्टार्ट किया है। आई एम वेरी न्यू, मैं इतने बड़े बड़े लीडर्स को देख के, इतने बड़े बड़े रनर्स को देखकर ही इंस्पायर्ड हुई हूँ। संदीप जी, डॉक्टर नमित, रमन जी, राणा जी। 50 से 75 वर्ष तक की कैटेगरी में जयपुर से विष्णु और अजमेर से नीरज को कैटेगरी में विनर चुना गया।